अब स्टार्ट करते हैं रामानुजन के अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टेन स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20 अपॉन टेन स्क्वायर 20 इंटू साइन स्क्वायर 20 का मान क्या होगा। ठीक, ये क्लास टेंथ का है जो रामानुजन में पूछा गया था। ठीक है ना, इससे पहले भी दो हम सेक्शन बनाए, पार्ट ए और पार्ट बी, दो वीडियो बनाए, अब पार्ट सी बन रहा है। ठीक है ना, तो पार्ट सी का ये पहला क्वेश्चन है जो रामानुजन 13 दिसंबर 2022 को हुआ था क्लास टेंथ का, उसका एक एक करके हम सोल्यूशन डाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए टेन 20 है, टेन स्क्वायर 20 है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर 20 बट्टे कॉस स्क्वायर 20 माइनस साइन स्क्वायर 20। नीचे कुछ नहीं तो 1 अपॉन, नीचे जैसे है वैसे एज इट इज रख देते हैं टेन स्क्वायर 20। ठीक है ना, टेन स्क्वायर 20 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ऊपर से साइन स्क्वायर 20 बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 20 डिग्री बट्टे टेन स्क्वायर 20 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 20 डिग्री। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका ये हो गया कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 20 रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, ये और ये कट गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ऊपर में 20 अपॉन कॉस स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन टेन स्क्वायर 20 डिग्री। अब ये टेन स्क्वायर 20 ऊपर में भी और नीचे में कट के आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर 1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जब 17 के पावर 23 प्लस 29 के पावर 23 प्लस 29 के पावर 23 को 23 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए सबका डिग्री ऑड है। ठीक है ना, एक थ्योरी होता है कि अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस में और डिग्री सेम है, इज, ठीक है ना, ये दोनों जो है इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी। ठीक है ना, ये ए प्लस बी से तब डिविजल होगा जब दोनों ये एन क्या हो, ऑड हो। ठीक है ना, फोर ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है ना, फिर ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में डिग्री आपका 23 है तो ऑड है, तो इसीलिए क्या होगा कि 17 प्लस 23 प्लस 29 को जोड़ दीजिए और अपॉन 23 कर दीजिए, तो कितना आया 69 आ गया आपका। 23 7 30 40 69 अपॉन 23, ये कट गया 3 बार, तो रिमाइंडर क्या गया 0 आ गया था आपका, शेषफल 0 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ डिग्री ऑड है इसीलिए आपका ये प्रॉपर्टी लगाना था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से ये आपके अगला क्वेश्चन बोला, यदि लॉग के बेस 5 इंटू लॉग एक्स बेस के इंटू लॉग 5 बेस 3 बराबर के तो एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर तीनों लॉग मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तो इसमें जो है इससे पहले भी एक वीडियो बनाए थे रामानुजम का, फर्स्ट वीडियो डाले थे, उसमें भी पहला क्वेश्चन लॉग का था, उसमें भी बेस चेंज थ्योरम लगाए थे, इसमें भी बेस चेंज थ्योरम लगाएंगे। बेस चेंज थ्योरम क्या बोलता है, जैसे लॉग के बेस 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग के अपॉन लॉग 5 इंटू लॉग एक्स अपॉन लॉग के, क्योंकि बेस वाले को लॉग का लालच देते हैं, जैसे 5 इसको लॉग का लालच दिए तो नीचे आ गया खट से। ठीक है ना, सब में बेस वाले को लॉग का लालच देते हैं तो लॉग, तो ये नीचे खट से आ जाता है। ठीक है ना, इज इक्वल टू के, यहाँ देखिए क्या होगा, ये इसको काट देगा। ठीक है ना, लॉग के से ले के कट गया, तो यहाँ आराम से बच गया लॉग एक्स बाय लॉग 3 इजिकल टू के। ठीक है ना, अब फिर से क्या करेंगे, फिर से आपको इसको ओरिजिनल पोजिशन पहुंचा देंगे, लॉग इसको फिर लिख सकते हैं एक्स बेस 3 कि अब लॉग जैसे हटा, तो लॉग जैसे हटता है तो उस क्या होता है कि ये इसके चरणों में आ जाता है, 3 जो इसके चरणों में आ गया तो एक्स इजिकल टू 3 की पावर के आ गया। ठीक है ना, तो आपका आंसर जो हो गया एक्स इजिकल टू 3 की पावर के ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें बेस चेंज थ्योरम लगाना था। ठीक है ना,
बेस चेन थ्योरम, ठीक है ना। मतलब हर एक साल बेस चेन थ्योरम पे जरूर एक क्वेश्चन रहता है लॉ का, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस फोर बराबर जीरो के मूलों के पूर्णांकों होने के लिए बी क्या होगा। मतलब इस इक्वेशन का जो है रूट जो है या मूल जो है पूर्णांक में इंटीग्रल वैल्यू दे उसके लिए बी का क्या होना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए कंडीशन होता है, ठीक है ना। अगर आपको रूट अगर चाहिए, इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए, मतलब पूर्णांक चाहिए, तो इसमें कंडीशन जो होता है हम आपको अभी बता रहे हैं। कंडीशन ये होता है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ए वन होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ए वन होना चाहिए और बी और सी जो है ना, बी सी का वैल्यू इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीजर होगा। मतलब बी का भी वैल्यू इंटीजर, सी का भी। देखिए यहाँ पर सी का तो ऑलरेडी इंटीजर दे दिया और ए का जो मान वन है ही, ठीक है ना। हमको बी का मान, तो बी का मान जो भी होगा इंटीग्रल होगा। अब इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। और एक चीज़ और, ये तो कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब डी कहीं कहीं किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान जैसे निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी का मान हो गया माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ठीक है, ए का मान वन इंटू सी, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, डी आ गया बी स्क्वायर और प्लस 16 आ गया, ठीक है ना। अब बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा। अब देखिए एक तो है कि बी को जीरो कर दीजिएगा बाय ऑप्शंस, अगर चलना है चार ऑप्शन है तो देखिए हर एक में बी का मान जीरो दिया है, तो बी जीरो रखिएगा तो 16 कहीं के किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए पहला जो सोल्यूशन आ गया जीरो, ठीक है ना, बी इक्वल टू जीरो। सेकेंड है सेकेंड जो है अगर तीन रखिएगा प्लस तीन रखिएगा तो 25 पूरा रहा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, कहीं कहीं बी का मान प्लस तीन ही होगा। माइनस तीन भी रखिएगा फिर भी प्लस 25 बना ही देगा, तो माइनस तीन प्लस तीन दोनों इसको सेटिस्फाइड कर रहा है और एक बी का मान जीरो। तीन तीन वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए आपका जो है सोल्यूशन आपका आ गया ए, ठीक है ना। ये कंडीशन होता है, ठीक है ना, कि अगर इंटीग्रल रूट चाहिए तो ए वन होना चाहिए और बी सी इंटीग्रल होना चाहिए और डी जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके इंटीग्रल सोल्यूशन यानी पूर्णांक वैल्यू आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंडर रूट में साइन की पावर 4x प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस अंडर रूट में कोस की पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है। इसमें सिंप्लीफाई आपको करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई। चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कीजिएगा, अंडर रूट में जैसे साइन की पावर 4x है प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स है, तो आप क्या कीजिए कि साइन की पावर 4x को ऐसे रहने दीजिए, 4 को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। और ये जो है कहीं कहीं ये साइन की पावर 4x हुआ माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स हुआ और प्लस 4 हो गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का है। किसका है परफेक्ट स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। तो सॉरी ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ माइनस है, इसीलिए सॉरी ये परफेक्ट स्क्वायर इसका हो जाएगा साइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, या नहीं तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो ये आ गया पहला ये एक्सप्रेशन का। दूसरा एक्सप्रेशन जो दिया है ये इसमें भी डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ये जो है कॉस की पावर 4x, ये जो ये इसको भी क्या कीजिए साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो वहाँ से बन जाएगा रूट अंडर में, रूट अंडर में इसको लिख देंगे साइन कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और बाहर आ जाएगा 2, ठीक है ना। या इसको खोलिएगा तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से बाहर जो निकलेगा यहाँ, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन हम ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। यानी तो आप क्या कीजिए, रुक जाइए, बाय ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है ना। अगर तो ऑप्शन के हिसाब से अगर चलना है, मान लीजिए कि यहाँ पर चार ऑप्शन, मान लीजिए अगर ये निकालने हैं बाहर यहाँ से, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 निकलेगा और यहाँ से निकलेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब दोनों को जैसे ही घटाइएगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन है,
ठीक है ना, बीच में सॉरी ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ये बीच में माइनस साइन है, तो माइनस साइन जैसे ही लगाइएगा दोनों के बीच में तो साइन स्क्वायर एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक गड़बड़ क्या होगा कि हम लोग पढ़े हुए हैं कॉस टू एक्स जो होता है वो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पर उल्टा आ गया तो माइनस कॉस टू एक्स आ जाएगा जो कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है ना। तो आपको प्लस कॉस टू एक्स लाना है, इसीलिए क्या करेंगे, इसलिए आपको यहाँ से ये बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से जो है क्योंकि ये फॉर्मेट बनना चाहिए, कहाँ गया ये वाला फॉर्मेट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मेट तभी बनेगा जब आप ये वाला फॉर्मेट आप उतारिएगा, यहाँ से ये बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये बाहर निकलेगा तो टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ से बाहर निकालिएगा टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब दोनों में से ये वाला कंडीशन निकालना है, टू को पहले रखना है, ठीक है ना, टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बाय ऑप्शन के हिसाब से चलना। इससे क्या होगा कि जैसे माइनस इंट्रोड्यूस हुआ तो ये तो माइनस हो गया और ये कट जाएगा, तो बचता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि कॉस टू एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना, कॉस टू एक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका आ गया सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सैम एक पासा फेंकता है और रूथ वही पासा फेंकता है, इस बात की प्रायिकता कि रूथ की संख्या सैम की संख्या से अधिक है, रूथ की जो संख्या होगा सैम की संख्या से अधिक है, तो ए बाय बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ए और बी का कोई वनिष्ठ गुणनखंड एक से अधिक नहीं है, मतलब भाई एस सी एफ वन आना चाहिए, सिंपल बात है, दोनों का दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, तो इस ए का मान क्या होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर रूथ का संख्या अधिक है, देखिए लेट सेम को मान लीजिए एस, ठीक है ना, मान लीजिए पासा तो फेंका सेम, ठीक है ना, और रूथ दोनों फेंकता है पासा, ठीक है ना, सेम और रूथ, ठीक। अब आप रूथ की संख्या मान लीजिए, ठीक है ना, अगर रूथ अगर दो होगा, रूथ मान लीजिए पासे पर एक दो तीन चार पाँच छः लिखा रहता है, तो रूथ को मान लेते हैं, एक अगर आएगा तो एक से छोटा जीरो रहता नहीं, इसलिए एक हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ दो से चालू करेंगे, क्योंकि अगला वाला कभी मौका मिले, ठीक है ना, जो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि कम होना चाहिए, एक अगर मान लेंगे तो फिर जीरो इसको मान नहीं सकते, क्योंकि जीरो होगा ही नहीं, उस पर लिखा ही नहीं रहता, तो दो से स्टार्ट करेंगे, तो दो स्टार्ट करेंगे, तीन स्टार्ट करेंगे, चार, ये सब हो गया रूथ का, ठीक है ना। तो सेम क्या क्या ले सकता है, सेम जो है सेम का जो आएगा, सेम जब रूथ दो लेगा तो सेम जो है ना, सेम यहाँ से एक एक ले सकता है, यहाँ से सेम एक और दो ले सकता है, यहाँ से सेम जो है लेगा एक दो तीन, ठीक है, पांच अगर है तो सेम लेगा एक दो तीन चार, और छः रहेगा तो एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, तो ये आ गया सेम का कंडीशन आ गया, ठीक है ना। जब रूट रूट के पास जब ये संख्या होगा तो सेम के पास ये सब संख्या आएगा, ठीक, तो हमको एक का मान निकालना है। तो पहला वाला जो है, पहला वाला क्वेश्चन जैसे ये, यहाँ से प्रोबेबिलिटी आएगा वन बटा सिक्स, ठीक है, क्योंकि टोटल सिक्स है, ठीक है, यहाँ से वन बटा सिक्स आएगा, प्लस यहाँ से टू बटा सिक्स आ जाएगा, यहाँ से थ्री बटा सिक्स, यहाँ से फोर बटा सिक्स, और अगला फाइव बटा सिक्स, ठीक है ना, ये आ गया सेम का प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल जो होता है डिवाइड बाय सिक्स, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आ गया, तो यहाँ जो ऊपर जोड़िएगा तो पंद्रह बाय छः अपॉन छः, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपका सॉल्यूशन कीजिएगा 15/36, मतलब आ गया 5/12 आ गया, तीन से काटिएगा तो तीन 5/12, ठीक है ना। तो हमको यहाँ ए का मान आ गया 5 आ गया, ठीक है ना, तो ये आपको निकालना था, तो यहाँ ए का मान आपका ऑप्शन सी आपका सही हो गया, ठीक है ना, कि ए का मान जो है 5 ही आएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। और वन इसीलिए नहीं माने रूथ में, क्योंकि
वन मानेंगे तो फिर जीरो इसको मान नहीं सकते, क्योंकि सेम के पास भी कुछ ना कुछ संख्या आना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन जो भी हो छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, उसको ध्यान में रख के हम यहाँ दो से चालू ही करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, डी बी सी का मध्य बिंदु है और ई ए सी पर इस प्रकार है कि ए ई डी बी का क्षेत्रफल जो है ई सी डी का दोगुना है, तो डी ई की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनाते हैं, ठीक है ना, आसान हो जाएगा। कैसे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमको बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, चलिए ऐसे मान लीजिए, ये मान लीजिए ये ए है, ठीक है ना, और बी पे आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ बोला बी पे 90 डिग्री दिए, बी 90 डिग्री हो गया और ए बी का लंबाई 2 है तो बी सी का भी लंबाई 2 हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका कोऑर्डिनेट 0.2 हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट 2.0 हो जाएगा, ठीक। और हम इस इक्वेशन और कह रहा है डी इस प्रकार है ए सी पर, देखिए ई जो है ए सी पर इस प्रकार है, तो ई मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना, इस प्रकार है कि ए ई डी बी, ए ई डी डी कहाँ पर है, डी बी सी का मध्य बिंदु बोल रहा है, तो देखिए डी जो है बी सी का यहाँ पर मान लीजिए डी, ठीक है ना, यहाँ डी मान ली और यहाँ मान लेते हैं ई यहाँ पर, ठीक है, इसको इसे मिला दिया, कह रहा है डी ई, अब यहाँ से एक चतुर्भुज बन गया ए ई डी बी का जो क्षेत्रफल है ई सी डी का डबल है, तो ये ए अगर है तो ये 2a हो जाएगा, तो हमको मालूम है कि ये बेस और हाइट दोनों मालूम है, यहाँ से हम ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा 3a है, क्योंकि a और 2a क्षेत्रफल 1/2, बेस 2, हाइट 2, यहाँ से a का मान आ गया 2/3 आ गया, ठीक है, ए का मान आ गया 2/3 और हमको इस लाइन का इक्वेशन मालूम। अब देखिए हमको निकालना है डी का लंबाई, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट तो मालूम है कितना है, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसलिए 0.1 मालूम है हमको, ठीक है। अब रह गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे निकालेंगे। इसके निकालने का तरीका बहुत सारा है, ठीक है ना, क्या निकालिए कैसे, जो देखिए ये इसका इक्वेशन लिख लीजिए इस लाइन का, ठीक है ना, इसका इक्वेशन कैसे लिखिएगा, तो इक्वेशन लिखने का तरीका बता रहे हैं कि एक होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स वाई टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना, जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तब, ठीक है ना, तो हमको मालूम है कि यहाँ पर y माइनस वाई वन का मान कितना है 2, वाई टू माइनस वाई वन मतलब वाई टू है 2 और वाई वन है 0, 2/2, एक्स टू का मान 2 है, सॉरी एक्स टू का मान कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 0-2, एक्स माइनस एक्स वन का मान 2, तो यहाँ से माइनस वन तो माइनस एक्स, ये माइनस और प्लस 2, तो यहाँ से इक्वेशन बन गया वाई प्लस एक्स इजिकल टू 4, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर लेट एक्स इजिकल टू कुछ मान लीजिए, एक्स इजिकल टू मान लीजिए एच, ठीक है ना, तो वाई इजिकल टू आ गया 4-h आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका ई का, एच कोमा 2-h, ठीक है ना। अब जब आपको देखिए यहाँ पर तीनों का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, ए सी का कोऑर्डिनेट मालूम है, डी का मालूम है और ई का मालूम है, एच कोमा 2-h, और हमको ए का भी मान मालूम है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है लगाएंगे, जो क्लास टेंथ पर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है सी डी ई का, ठीक है ना, 1/2, ठीक है ना,
एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है ना। ये आपका ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक। और ए का मान हमको दिया हुआ कितना है, टू बाई थ्री हमने निकाला है, ठीक है। ए का मान यहाँ टू बाई थ्री, इस फिगर टू बाई थ्री इज इक्वल टू बैठा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हर एक चीज़ एक्स वन का मान हो गया जीरो क्योंकि यहाँ दिया हुआ है जीरो, ठीक है। जीरो इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, ये रखना बेगुना हो जाएगा क्योंकि जीरो बाहर लग गया। फिर अगला वाला में भी जीरो है, यहाँ भी ये इसका मान नहीं रखेंगे। एक्स थ्री का मान एच है, ठीक है ना, ये एच। और y1 का मान 2 है, y1 का मान 2 है और y2 का मान 1 है, तो 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये 4 बाई थ्री हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ बच गया h, तो h का मान आ गया 4 बाई थ्री। तो भाई h का मान जैसे 4 बाई थ्री आ गया यहाँ पर 4 बाई थ्री, और ये 4 बाई थ्री में से 2 घट जाएगा तो 2 बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। डी और ई का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, जीरो कोमा वन और फोर बाई थ्री कोमा टू बाई थ्री। डी इज इक्वल टू रूट अंडर फोर बाई थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री माइनस वन का स्क्वायर। ये हो गया 16/9 प्लस ये हो जाएगा कितना 1/9, तो रूट अंडर 17/3 आपका ये आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है ना, इस दोनों के बीच का। तो आपका इतना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज़, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं 11th को भी टच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका सोल्यूशन है, आप अच्छे तरीके से देखिए, बनाइए इसको, सॉल्व कीजिए कि एक सवाल में इतना कॉन्सेप्ट मिक्स किया हुआ है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लॉग का आ गया, ठीक है ना। तो कह रहा है समीकरण 7x + 7 = 8x का x बराबर लॉग 7 है बेस में 7 के रूप में व्यक्त है तो b का मान क्या होगा। ठीक है, ये तो हमको मालूम है घातांकीय फॉर्म है, तो इसको देखिए क्या करते हैं। 7x + 7 = 8x, इसको हम ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, और हमको ये चाहिए भी यहाँ पर, देख रहे हैं, ठीक है ना। इसको नीचे हम ले आते हैं, ठीक है ना, इसको हम नीचे ले आते हैं, यानी तो ये x वाला को नीचे ले आते हैं। 7x रहने दीजिए, 8x / 7x यहाँ ला दीजिए। अब क्या होगा कि एक्स वाला सब साथ में आ गया, 7/7, और इसको हम 8/7x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है जानबूझ के आपको क्या करना है कि लॉग लेना है, जानबूझ के मतलब लॉग दोनों साइड लेना है, ठीक है ना। बेस क्या लीजिएगा, जो एक्स उतर भी जाना चाहिए आगे और कुछ बचना भी नहीं चाहिए, तो लॉग लीजिए, लेकिन बेस में 8/7 लीजिए। क्यों लीजिए अभी हम बता रहे हैं। बेस में जैसे ये लीजिएगा तो यहाँ भी लॉग में बेस में 8/7 आएगा और पावर में ये 8/7x, तो ये क्या होगा, उछल के आ जाएगा, ठीक है। और x इंटू लॉग 8/7, ठीक है, और ये दोनों मिलके 1 दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको सिंपल आ गया x, और x आ गया, और इधर लॉग 8/7 / 7/7, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। और x का जो मान यहाँ पर दिया हुआ है ये देख रहे हैं, तो कंपेयर जब कीजिएगा, ये x का मान दिया हुआ है कितना, x का मान दिया हुआ है log 7/7 इक्वल टू, हमने क्या निकाला x का मान यहाँ से, ये तो हमने यहाँ रख दिया log, ये कंपेयर तो आप लोग आसानी से कर सकते, b का मान 8/7 आ गया, आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है ना। यानी लॉग का 2 को क्वेश्चन आराम से आ गया। अब आते हैं आगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन फिर से चालू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि a0 a1 .. an a2 .. वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम
को अंकित करता है। अगर ए जीरो का मान दो है तो ए एन प्लस वन बराबर ए एन बट्टा ए एन और फिर प्लस वन है, तो ए 2022 का मान क्या होगा, चार ऑप्शन दे दिया। देखिए हमको यहाँ दिया हुआ क्या है, ए जीरो का मान दो दे दिया, ठीक है, ए जीरो का मान दो दे दिया, और एक रिलेशन दे दिया है यहाँ पर ए एन प्लस वन इजिकल टू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ठीक है ना, ये रिलेशन है। तो हमको बोल रहा है ए 2022 का मान क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, ठीक है ना, ए जीरो, तो ए जीरो पुट करेंगे तो यहाँ एन प्लस वन मतलब जीरो पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए वन इजिकल टू यहाँ ए जीरो आ जाएगा अपॉन ए जीरो प्लस वन। अब ए जीरो का मान हमको मालूम है कितना है, टू है और दो बट्टा तीन आ गए। फिर उसी प्रकार हम ए वन रखेंगे, मतलब सॉरी ए टू कैसे निकलेगा, जब हम एन के जगह वन रखेंगे तो यहाँ ए टू बन गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए वन बट्टा ए वन प्लस वन, और ए वन का मान हमको मालूम है टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री ऊपर में भी आएगा, टू बाई थ्री नीचे में भी आएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो टू बाई थ्री बट्टे फाइव बाई थ्री, थ्री से थ्री कट गया, टू बाई फाइव आ गया। एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपर टू बाई थ्री आया, अगला ए टू का मान टू बाई फाइव आ गया, तो इससे पता चलता है कि ए थ्री का जो मान आएगा वो कितना आएगा, थ्री बाय सेवन आ जाएगा, थ्री के बाद फाइव आया, फाइव के बाद सेवन आ जाएगा, और ए जीरो का मान हमको दिया है टू, तो यहाँ नीचे में वन लिखा हुआ है, तो एक के बाद देखिए तीन, दो दो बढ़ रहा है, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात है, ये आपको पकड़ना है, ठीक है ना, ये आपको पकड़ना पड़ता है क्या हो रहा है, तो ये 2022 का रहा है, ठीक है ना। अब बताइए कि यहाँ ए जीरो का मान टू है, ठीक है ना, तो ए 2022, ए 2022 नीचे में आपको मालूम होना चाहिए कि बढ़ रहा है, ठीक है ना, और ऊपर फिक्स है, ऊपर दो दो ही आएगा, तो दो बट्टे 2022, तो 2000 देखिए हो क्या रहा है, यहाँ जब आपने सेकेंड टर्म लिखा तो यहाँ पर थ्री आया, ठीक है ना, ठीक, तो यहाँ नीचे में देखिए, नीचे में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपका इस प्रकार का सीक्वेंस बनेगा, टू बट्टा वन, टू बट्टा थ्री, टू बट्टा फाइव, टू बट्टा सेवन, डॉट डॉट ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ऊपर तो टू टू फिक्स है, नीचे में एपी में बढ़ रहा है, तो क्या करते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ ए का मान वन है, डी का मान टू है, और ए 2022 निकालना है, तो फार्मूला होता है कि ए 2022 इज इक्वल टू ए प्लस 2022 माइनस वन करेंगे 2021 इंटू डी का मान कितना होगा, टू, तो वन प्लस यहाँ पर दो, दो दोनों चार, यानी कितना हुआ 40, 42 प्लस एक 4043, तो यहाँ नीचे में आ जाएगा दो बट्टा 4043 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2022 का जो वैल्यू होगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, ये हो गया फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर जो है आपका ए 2022 का मान निकालना है, तो ए 2022 में देखिए क्या होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म में थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा इसमें, कि यहाँ देखिए वन चालू हुआ, वन कहीं ना कहीं यहाँ ए जीरो से चालू हुआ था, ठीक है ना, फिर ये सेकेंड टर्म है, तो हमको 2022 तक जाना है, तो टोटल 2023 टर्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपको 2000 एन एन के जगह 2023 लिखिएगा, ठीक है ना, तो ये एन हो गया 2023, तो यहाँ से बन गया वन प्लस 2023 में से गया 2022, ठीक है ना, गुना दो, ठीक है ना, दो 4044 प्लस एक 4045, 4045 आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन का जो वैल्यू है 2023 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जीरो से चालू, अगर वन से चालू होता तब तो 2022 ही टर्म होता टोटल टर्म, ठीक है ना, यहाँ से आगे 2022 तक 2022 टर्म ही आता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जीरो से चालू है इसलिए एक बढ़ गया, इसीलिए आपका 2023 एन की जगह रखना पड़ेगा, तब 2022 का मान आएगा, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ गया 2045 आ गया, ठीक है ना, दो बटा 2045, तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, ठीक है ना, 2045, तो इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग और एक नियमित षटभुज,
मतलब रेगुलर हेक्सागन समान भुजा की लंबाई के साथ खींची जाते हैं। यदि वर्ग का क्षेत्रफल रूट थ्री है तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए षटभुज का जो क्षेत्रफल होता है थ्री रूट थ्री बाई टू इंटू भुजा का वर्ग होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये षटभुज का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, षटभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर करना क्या है कि भुजा निकालना, भुजा यहाँ से निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री दिया हुआ, तो फिर से भुजा का पावर जो हो जाएगा, ये तो थ्री के पावर वन बाई टू पहले था और फिर ये वाला एक स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो भुजा बराबर जाएगा थ्री के पावर एक बट्टा चार आ गया। अब ये यहाँ पर पुट कीजिएगा, थ्री के पावर एक बट्टा चार गुने दो, दो दो ना चार, ठीक है, ये बन गया थ्री रूट थ्री गुने फिर रूट थ्री अपॉन टू, कितना आ गया नाइन बाई टू आ गया। तो ये आपका आ गया आंसर नाइन बाई टू, ये हो गया षटभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा है कि जब इसे एक्स को एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः तीन छः और चार होते हैं, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन, तो एक बार x का मान जीरो रखेंगे, तो जैसे जीरो रखेंगे तो देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो x से भाग देते हैं तो रिमाइंडर थ्री आता है, तो x की जगह हम जीरो पुट करेंगे, या जीरो जीरो हो गया तो c का मान ऐसे आ गया जीरो, c का मान आ गया थ्री आ गया। और एक बार वन पुट करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सिक्स आ जाता है, जिसमें c का मान हमको ऑलरेडी थ्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ जो a प्लस बी का मान आसानी से आ गया थ्री आ गया, ठीक है ना, और ए प्लस बी का मान भी पूछ रहा था, ठीक है ना, ये आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वन बट्टा एक्स प्लस ए प्लस वन बट्टा एक्स प्लस बी बराबर वन बट्टा सी के मूल परिणाम में बराबर, परिणाम मतलब हो गया कि जिसे जो वैल्यू होता है वो बराबर है लेकिन साइन अलग अलग है, जैसे एक अगर माइनस पाँच है तो दूसरा प्लस पाँच होगा, या एक दो है तो दूसरा माइनस दो होगा, ऐसे ही आएगा, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए हमारे पास ऑप्शन का अभाव था, जो बच्चे लोग स्क्रीनशॉट मार मार के लाए थे, तो उसके हम आधार पे हम सबका सलूशन डाल लें, और क्लास नाइन्थ और एट सिक्स सेवन एलेवन ट्वेल्थ जो भी बच्चे के पास अगर क्वेश्चन है तो हमें भेजें, हम सबको हम वीडियो बना के हम यूट्यूब पर डाल देंगे, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करना है, ठीक है, वन बटा एक्स प्लस वन बटा एक्स प्लस बी, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इक्वेशन एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये इक्वेशन बन जाएगा। और हमको इसका मूल जो दिया हुआ है एक अल्फा मानेगा दूसरा माइनस अल्फा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मूल परिणाम है बराबर है चिन्ह अलग अलग है, यही हो गया चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक होता है अल्फा है एक बीटा होगा, तो दोनों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, और जैसे दोनों को जुड़ेगा जीरो आएगा और ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ए भी गया जीरो में, सीधे बचता है बी इक्वल टू जीरो, तो माइनस बी इक्वल टू बी और माइनस जो इधर आ जाएगा, ठीक, तो बी का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पर ए प्लस बी माइनस टू सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू टू सी आ गया, ठीक है, एक ये रिलेशन आ गया। और हमको बोल रहा है प्रोडक्ट, तो चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सी बाय सी, तो पूरा हो गया ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए का मान वन है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ माइनस चिन्ह बाहर ले लीजिएगा, दोनों में सी कॉमन है तो बचता है बी प्लस ए, और बी प्लस ए का मान टू सी है, ए इंटू बी माइनस टू सी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर, और ये माइनस साइन उठ के इधर आ जाएगा तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, ठीक। अब यहाँ से एक स्टेप और कर सकते हैं, क्या
यहाँ से जो है सी की जगह हम देखिए सी की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई टू यहाँ से, ठीक है ना। तो टू इंटू ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए बी, इसको जब हम सॉल्व कीजिएगा तो टू इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय फोर माइनस ए बी कट गया, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, अपॉन टू माइनस ए बी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं आखिरी सवाल जो मेरे पास था, तो आप अब आखिरी सवाल ये है कि पूर्णांक x का मान करा एक से बड़ा की संख्या क्या है, ताकि x ये x प्लस टू x प्लस फोर सभी अभाज्य हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं कि x का मान क्या होगा जो ये सब अभाज्य हो जाए। देखिए x बराबर अगर आप तीन मानते हैं, तीन मानिएगा, तो देखिए तीन और पाँच और ये कितना आ जाएगा, सात, ही अभाज्य संख्या बनी, ठीक है। एक्स बराबर नौ अगर मानिएगा तो नौ पर भी देखिए नौ बनता है, ग्यारह बनता है, तेरह बनता है, तो दो गो तो ऐसे ही सोल्यूशन आ गया, तो ऐसे ही दो गो रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये और ये रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ तीसरा ऑप्शन है सी अनंत और एक से अधिक लेकिन परिमित। देखिए यहाँ पर कुछ बोला नहीं जा सकता, संख्या इन्फाइनाइट है, ठीक है ना, तो आप जो है ना अनंत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, संख्या बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और वीडियो लाते रहें। ऐसे अगर आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।